हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मल्टी सॉल्व। आफ्टर सो लॉन्ग आई विल ऑन अनदर टॉपिक। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग, सो यस, माय सेल्फ अर्पिता। अगर न्यू हो तो यू गाइज आर प्लीज डू सब्सक्राइब एंड 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 जो लोग मुझे देखते हो, माई नेम एंड माई कॉन्टेंट आप सभी को पता है। सो यस, आफ्टर सो लॉन्ग, प्लीज थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइज होगी या तो कोई भी बैकग्राउंड में मेस आप लोग को दिखेगी तो मुझे आप लोग एक्सक्यूज कर देना, क्योंकि इन दिस सिचुएशन बहुत ही ज्यादा हैट्रिक स्केड्यूल होती है मेरी, तो आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि इसमें आप लोगों को हेल्प मिल जाए। एंड एक्सक्यूज दिस वन, दिस इज द पिंपल एंड इतनी ज्यादा वेदर की हाल खराब होके रखी है। एंड हैप्पी समर टू ऑल। थोड़ा बारिश भी आ रही है इधर, थोड़ा थोड़ा, मतलब ना ही की बराबर, बट बारिश हो रही है। तो स्किन केयर में बहुत ज़्यादा मैं आजकल ध्यान दे चुकी हूँ, फूड हैबिट्स में भी ध्यान दे चुकी हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ। एंड यस, टुडेज वीडियो का टॉपिक बोल देती हूँ, बहुत सारा बात कर लिया, बहुत दिन बाद आप लोगों से मैं मिल रही हूँ विथ माय कंटेंट। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग भी शेयर की हूँ, आप लोगों को देखना है तो जाके देख लो। एंड आप लोग जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए हो, थैंक यू watching me, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। एंड थोड़ा सा स्लिप अप टंग हो जा रहा है तो उसमें बहुत कोई जजमेंट प्लीज मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं विदाउट स्क्रिप्टिंग ही वीडियो बनाती हूँ। ये चीज शायद मैं अभी बोल रही हूँ तो बहुत किसी ने सुन के बोलना है कि कैसे ये पॉसिबल है कि आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर होके विदाउट स्क्रिप्टिंग वीडियो बनाते हो। बट हाँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं विदाउट स्क्रिप्टिंग वीडियो बनाती हूँ, इसलिए शायद मेरी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में देखना, बहुत सारा चीज बनावटी वाला बात नहीं है। तो ये चीज बहुत कोई है, अब अपने आप का मेंटालिटी है सबका, मतलब मेंटालिटी अपने आप के ऊपर होता है सबका, है ना। तो मैं किसी का मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे हाथ पे तो नहीं होता है। तो चलो अब कंटेंट पे चलते हैं। तो हाँ, आज का जो कंटेंट है वो है, अगर आप ब्राइड होने वाले हो, वुड बी ब्राइड होने वाले हो, तो आपका जो मेकअप होती है वो आप किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से कराते हो। नाउ आ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, आजकल का जो ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग आप कोई मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराओगे, है ना। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है, पर्सनल प्रोस्पेक्टिव, वो ये है कि फिर आप तो आपका मतलब होता है ना कि आफ्टर मैरिज बहुत सारा फंक्शन आपको मतलब अटेंड करना होता है, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। तो उस फंक्शन अटेंड करने के टाइम में आपको थोड़ा सा सेल्फ मेकअप आना चाहिए। मैंने एक ब्राइडल किट बनाया था, मेरा वो जो वीडियो है बहुत ही पुराना वाला वीडियो है जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं इस वीडियो के साथ भी लिंक कर दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। वो 2 साल पुराना वीडियो है और मैंने वहां पे बहुत सारा डिटेल्स भी बताया था प्रोडक्ट का। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग जो लोग इस मेकअप कॉन्टेंट को पसंद करते हो एंड ब्यूटी रिलेटेड चीज आप लोगों को पसंद है, लाइक कॉस्मेटिक स्किन केयर, तो ही देखो, नहीं तो प्लीज आई एम सॉरी, स्कीप माई वीडियो। क्योंकि ऐसा बहुत कोई मेरे चैनल के साथ व्यूज देता है, मतलब ऑफलाइन भी मैं उन लोगों को जानती हूँ, उन लोगों को मेरा कंटेंट ही पता नहीं है कि मैं क्या कंटेंट बनाती हूँ, पर वो लोग कमेंट करेंगे। तो उस चीज में ना मुझे, देखो मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगी और मैं नेगेटिव हूं भी नहीं, पर मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग ना अपना टाइम थोड़ा सेव कर लो, क्योंकि अगर आप लोग मेरा कंटेंट नहीं समझ के मुझे देखोगे तो आपका नेट वेस्ट हो रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप मुझे बहुत बड़ा हेल्प कर दे रहे हो।
गाइज ये सबके लिए नहीं था, ठीक है। तो चलो अब वीडियो पे आते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो, तो फर्स्ट स्किन केयर में जो लोग ब्राइड टू बी हो, ठीक है, स्किन केयर बहुत ही प्रॉपरली आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है। स्किन केयर अगर आप लोग ठीक से नहीं करोगे, फूड हैबिट्स ठीक से नहीं करोगे, तो ग्लो उभर के नहीं आएगी, ये आप लोग जान लो, ठीक है। चाहे आप लोग हाई इंटरनेशनल ब्रांड का मेकअप ले लो कोई मेकअप आर्टिस्ट से, आपका कोई फायदा नहीं होगा जब तक ना आपका इनर ग्लो आपके साथ रहेगा। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हो तो कमेंट करो। तो हाँ, तो फिर पहली रसोई भी होता है, फिर गेस्ट अटेंड करना होता है, तो उसके लिए मेकअप का पैकेज में तैयार की हूँ, मेकअप प्रोडक्ट में तैयार की हूँ बोल सकते हो। आई एम नॉट अ ट्रेंड, मैं भी एक ब्यूटी व्लॉगर हूँ, मैं भी अभी तक सीख रही हूँ और मेरे पास कोई प्रोफेशनल मेकअप डिग्री नहीं है। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि दीदी आप क्यों इतना मतलब सिद्धार्थ से बोल रहे हो कि आपकी बात ही हम लोग क्यों सुने, तो इसलिए सुनो कि मैं ये सारा प्रोडक्ट जो है इसमें इन्वेस्ट की हूँ अपने पैसा, हाई ब्रांड और ड्रग स्टोर ब्रांड दोनों ब्रांड ही है, और पैसा खर्चा करने के बाद मैं रिव्यू दे रही हूँ, दैट्स इट। तो चलो फर्स्ट आप लोग ये सीट मास्क ले सकते हो, ये जूडियो की तरफ से है ये सीट मास्क, होप कैमरा पिक कर पा रहा है, दिस इज जूडियो का है। तो मैं जब जूडियो विजिट की थी तो ली थी। सीट मास्क का जो प्राइस होता है 100 रुपीज होता है, पर आप लोग जूडियो का नहीं लोगे तो कोई बात नहीं है, वुड बी ब्राइड अगर हो आप लोग सुन रहे हो, जूडियो का जरूरत नहीं है। इंस्टेंट अगर आपको ग्लो लाना है फेस पे तो उतना टाइम भी नहीं होता पाता है, तो आपने वैनिटी में एक या तो मेकअप बैग में एक सीट मास्क 2-3 फ्लेवर का परचेस करके रखा करो, क्योंकि आई नो दैट कि सीट मास्क समटाइम्स वेस्ट ऑफ मनी होता है, बट जब हमारे पास टाइम नहीं रहता या तो ट्रैवलिंग पे जाना होता है या तो इंस्टेंट तैयार होना होता है, तो सीट मास्क ग्लो के लिए स्किन प्रेप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए। तो सीट मास्क बहुत सारा ब्रांड का आता है, नायका का सीट मास्क आता है, उसके बाद मेरे ही चैनल पे बहुत ज्यादा सीट मास्क का मैंने रिव्यू करके रखा है, मैं लिंक कर दूंगी। मैंने गुड वाइब्स का भी सीट मास्क यूज किया था, वो भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, बॉडी सॉप ना फेस सॉप शायद ऐसा ही कुछ एक ब्रांड है, उसका भी सीट मास्क आप लोग ले सकते हो। तो यू गाइज आर परचेस सीट मास्क, ओके। तो ये आप लोगों का पैसा बर्बाद नहीं करेगा सीट मास्क। एज अ सेटिंग स्प्रे में मेरे पास सेटिंग स्प्रे का भी बहुत ऑप्शन है, आप लोग मेरा प्रीवियस मेकअप वीडियो देखना चाहोगे तो है अपलोडेड, बहुत सारा मेकअप लुक मैंने अपलोड किया है, यहाँ पे 2-3 मेकअप लुक मैं दे दूंगी लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना। मेरे पास बहुत सारा मेकअप का फिक्सर था, ठीक है। तो इसमें से एक फिक्सर मेरे पास है, ये फेसेस कनाडा का जो हाई ब्रांड का है, ये 750 का आसपास इसका प्राइस है। अगर आपके मेकअप वैनिटी में इतना बजट नहीं है या तो मेकअप बैग में इतना बजट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लोग स्विस ब्यूटी का ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और जिन लोगों का पैराबीन का प्रॉब्लम है वो लोग वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर ले लो, वो भी बहुत अच्छा है। और हाँ, इस वीडियो प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर है, तो प्लीज कृपया करके फिर से बोल रही हूँ, आप लोग कोई नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि मेरा ये सारा प्रोडक्ट अपने पैसा से है, कोई ब्रांड प्रमोशन में इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ। तो बहुत किसी ने मुझे बोलता है कि जो सो ब्रांड चला देती हो, बहुत दिन हो गया मैं आप लोग से जब बात करने आई हूँ, ये वीडियो बनाने आई हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरी एक लड़की थी, मतलब सॉरी फॉर द टॉन्ट, लड़की नहीं एक औरत, वो मेरे माँ पापा का जान पहचान का था, मतलब मोहल्ला पे रहती थी। तो वो औरत मेरे घर आती है, मेरे पापा माँ से मिलने आती है, मतलब मेरे पेरेंट्स से मिलने आती है। तो वो मेरे पापा माँ मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे उससे, उस लड़की से। वो मोहल्ला से अभी चली गई है शादी करके। तो वो मुझे ना पापा माँ के सामने बोल रही है कि तुम यूट्यूब करती हो, तुम्हारा कॉन्टेंट क्या है। अच्छा हुआ कि उसको मेरी कॉन्टेंट रिलेटेड इशू पता है कि मैं किस कंटेंट बनाती हूँ। मैं आभारी हूँ भगवान से कि एक तो जान पहचान का मिला जिसको
पसंद है कि मतलब सॉरी जिसको पता है कि मेरी कंटेंट क्या है, तो उसने मेरा कंटेंट मुझसे जाना, तो मैंने बोला कि मैं ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, मैं मेकअप रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि जो जो प्रोडक्ट तुम दिखाती हो ब्रांड से रिसीव होता है, बहुत अच्छा है कि उसको ये भी नॉलेज था कि ब्रांड वर्क भी हम लोग करते हैं। तो बोला कि प्रोडक्ट अच्छा होता है ना, तुम अपने चैनल को ग्रो करने के लिए चला देती हो। फिर मैंने बोला कि अगर मैं ऐसे टाइप की व्लॉगर होती तो शायद आज मैं इतना लूटती इंसान को, मेरी चैनल देखो आप लोग जाकर अभी तक 1K सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है, शायद मैं 10K 20K सब्सक्राइबर कर लेती झूठ बोल बोल के। तो मेरे चैनल तो आप देखते नहीं हो, जस्ट लिंक पे आप लोग देखा था, वो फेसबुक पे शायद मेरी चैनल को देखा था पेज के थ्रू। होता है ना कि मेरे पापा मम्मी बोलती है कि मेरे बेटी क्या करती है, उस टाइम आज से 1 साल पुराना बात है। तो फिर वो जब उसके सामने मैंने मुंह बनाया, उसको पता चला कि उसने जो बात बोला मतलब ये प्रोफेशन रिलेटेड ही बात बोला, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया, मेरे व्हाट्सएप में शायद वो थी, उसको मैं ब्लॉक कर दी। तो ये आप लोगों से शेयर किया क्योंकि इंसान के ये होता है कि गलत प्रोडक्ट वो दे रही है या तो गलत प्रोडक्ट वो बोल रही है। तो ये सब चीज ना मेरे साथ होता तो आज मैं सक्सेसफुल होती, मतलब मनी मेरे आ जाता अभी तक यूट्यूब से। तो वो चीज मैं आप लोगों से ज्यादा शेयर की क्योंकि आप लोग मेरे पार्ट ऑफ फैमिली बन चुके हो लाइफ का। मैंने जितना भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स मुझे देख रहे हो, मैं लॉयलिटी मेरे आप लोग देखोगे क्योंकि पब्लिक आप लोग बहुत ही इनोसेंट हो और आप लोग बहुत ही चालू हो, दोनों ही हो, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कोई झूठ बोलेगा तो भी और कोई सच बोलेगा तो भी, ठीक है। तो फिर मैं अभी उस दिन से मुझे लगा कि सच में ये दोनों चीज वो सिखा के गई है कि मैं क्या कंटेंट बनाती हूँ, ये इंसान को समझना चाहिए, और मेरी चैनल के इस बेसिस पे है ये भी इंसान को समझना चाहिए, फिर आके तुम मुझे देखो, मतलब जान पहचान लोगों को ही बोल रही हूँ। क्योंकि देखो आप लोग ऐसे कमेंट करके ना मुझे डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं जिंदगी का उस पड़ाव को पार करके आ चुकी हूँ। अब मेरी उम्र 23 से 24 साल के अंदर नहीं रहा कि कोई मुझे आके कुछ बोल दिया तो मैं भड़क गई। मैं अभी बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपने आप के बारे में कभी बुरा वाला नहीं सोच सकती हूँ क्योंकि हम सबको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, यही है भगवान का दिया हुआ संदेश, है ना। तो बहुत ज्यादा मैं बात कर ली, और हाँ अब बहुत किसी ने मुझे बोलना कि आप इतना ज्यादा बोलती क्यों हो। देखो मेरी जो व्यूअर्स का रेंज है, मैं जब ग्राफ चेक करती हूँ मेरी, आज जब इतना दिन बाद आई आप लोग से बात भी कर रही हूँ, मेरी काम भी कर रही हूँ, तो 18 से लेके 25 तक शायद लड़कियां मेरा वीडियो देखती है, 18 से लेके 25 तक। तो उन लोगों को मोटिवेट करना भी मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। अगर मैं सीरियसली आके आप लोग से बात करूं और यहाँ पे होता है ना कि एक मतलब ऑफिशियली बात करूं तो आप लोग मुझे कभी नहीं देखोगे क्योंकि वो लोगों 18 साल का एक लड़की, 19 साल का एक लड़की, वो लोगों का मोटिवेशन ही देना चाहिए उन लोगों को। तो एक अच्छा सा मोटिवेशन अगर मैं उन लोगों के लिए नहीं बोलूंगी, है कंटेंट मेरा ब्यूटी रिलेटेड पर मोटिवेशन देना कोई खराब नहीं है। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, आप लोग जो लोग 18 से 22-23 साल के बीच में मेरा चैनल देख रहे हो, आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है, बाबू ये सफर इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोग भी कैरियर करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, ब्यूटी और स्किन केयर इंडस्ट्री में, ठीक है, रिव्यू इंडस्ट्री में, तो डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, 5 साल से मैं इसमें उतार चढ़ाव देख रही हूं, पर अपने ऊपर हावी मत होने देना। बहुत किसी ने की वो बहुत डिमोटिवेशन आएगी, बहुत इंसान बहुत बात बोलेगी, तुम्हारा अपनों ही तुमको दो मतलब बात आके सुना के जाएगी। अपना कभी अपना नहीं होता है जब तक ना तुम्हारे पास पैसा होता है, ठीक है, ये बात एकदम रियलिटी है। तो तुम थोड़ा सा पैसा अगर अर्न करोगी तो सब तुम्हारा अपना होगा। ये मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ जो लोग 18 से लेके 23 साल तक मेरा ये वीडियो देख रही हो, ठीक है, 18 to 23। तो तुम लोग मुझसे भी शायद मैच्योर हो सकते हो क्योंकि आजकल का जनरेशन बहुत तेज है। तो वही बोल रही हूँ, डिमोटिवेट मत होना। तो हो गया, अब मैं दो आप लोग को दिखा दी, एंड थर्ड वन इज अ प्राइमर। प्राइमर के पास
बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब मेरे पास प्राइमर में बहुत सारा ऑप्शन है, पर मैं इस वाला मतलब वैनिटी या मेकअप बैग जो भी बोल सकते हो उसमें मैं दोनों प्राइमर ही इंक्लूड की हूँ। फर्स्ट प्राइमर मैं ये वाला इनसाइट की 3-in-1 प्राइमर, जिसके साथ मैंने मेकअप लुक भी किया था बहुत, ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है, इसका ब्लेंडिंग टेक्निक भी बहुत प्रिसाइसली हो जाती है, ठीक है। और देखो इसका जो टेक्सचर है, ये शायद कैमरा पिक नहीं कर पा रही है, तो हाँ ये है देखो, थोड़ा जेल बेसिस पे है, तो ये ऑल स्किन टाइप पे चल जाएगा, ठीक है। ये प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज भी कर देगा, ठीक है। इनसाइट कॉस्मेटिक्स का प्राइमर है ये, और ये इनसाइट का फिर से एक प्राइमर है मेरे पास जो है पोर मिनिमाइज प्राइमर, और मेरे पास एक हाई ब्रांड का प्राइमर है जो मैं इस ब्रांड में एड नहीं की हूं, पर मैं आप लोग को बोल दे रही हूँ, वो प्राइमर है कलर बार का प्राइमर। वो कलर बार का प्राइमर भी बहुत हाई प्राइमर होता है, आप लोगों को पता है जो लोग मेकअप करते होंगे, है ना। तो फिर मेरे पास है फाउंडेशन में दो ऑप्शन है, एक है हाई ब्रांड और डार्क स्टोर ब्रांड भी बोल सकते हो, वेट एंड वाइल्ड। इसमें मेरा शेड नंबर जो है आप लोग से शायद नहीं मिलेगा, शायद 03 मेरा शेड नंबर है, ठीक है। वेट एंड वाइल्ड 1 इसके साथ एक स्पैचुला आ जाता है, तो अभी आप लोग अगर फाउंडेशन छोड़ के भी पार्टी अटेंड या ब्राइडल मतलब आफ्टर ब्राइड मेकअप होती है, क्योंकि हमेशा आपको फाउंडेशन लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आप एक मतलब मीडियम रेंज का भी फाउंडेशन रख सकते हो, ये तो बहुत ही पुराना ब्रांड है लैक्मी का, इसका पैकेजिंग भी आपको पता है कि कैसा है। तो ये दोनों मैंने दिखाया आपको, अब आपका चॉइस कि आप ये दोनों फाउंडेशन इसमें ले सकते हो कि नहीं। देखो कोई ऐसा बात नहीं है कि बिना फाउंडेशन का मेकअप नहीं होगा, होगा। तो इसलिए मैं और दो ऑप्शन रखी हूं इस वाला वैनिटी में या तो मेकअप बैग में, वो है पॉन्स की बेबी क्रीम, जो आपका काम बहुत ही आसान कर देगा, ठीक है। और ये फिट मी वन दिस प्रोडक्ट, ओ माय गॉड, आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है मेबेलिन फ्रेश टिंट, आजकल टिंट का बहुत जमाना आ चुका है, ये टिंट आप लोग ले सकते हो। अगर वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन नहीं लेना है तो इस बजट के अकॉर्डिंग ये टिंट भी आ जाएगा। दोनों का प्राइस पूरा सेम टू सेम है, इसका भी प्राइस 550 के ऊपर है, इसका भी सेम है 449 ऐसा है। तो आप लोग ये टिंट पे भी यूज कर सकते हो, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो मेबेलिन की ये टिंट। आप लोग ये टिंट आप लिखना मेबेलिन फिट मी टिंट, या तो मेबेलिन का ये टिंट का जो लिंक है आप लोग मुझसे मांगना, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो @अर्पिता विश्वास, मैं आप लोगों को दे दूंगी उसका लिंक। एंड ये है बीबी क्रीम, ये तो सबको पता है, ये आपको लोकल स्टोर में भी मिल जाएगा। फिर अब हम लोग आते हैं चिक टिंट पे, उसके लिए भी मैंने दो ऑप्शन, और ये है NY बेक की लिक्विड ब्लशर। दोनों का दोनों प्रोडक्ट ही अच्छा है, NYB का ये जो ब्लशर है ये ऐसा पैकेजिंग पे आता है, यू गाइस सी ट्यूब एंड एस एक एप्लीकेटर। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये डियर डार्लिंग इसाबेला नहीं, ये डियर एंड डार्लिंग टिंट है, ये मैंने नायका से लिया था, ये आपको purple.com पे मिल जाएगा NYB का क्रीम ब्लशर। और मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूंगी, कोई भी अगर आपको लगता है कि दीदी के बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो दीदी को मैं पर्सनली पूछूंगी, तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, मैं कॉमेंट का जवाब दे दूंगी। और मुझे स्वेटिंग आ चुका है क्योंकि फैन ऑफ करके मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इतना सारा डिटेल्स। और हाँ, वुड बी ब्राइड अपने ये मेकअप पैकेज मेकअप किट पे या मेकअप वैनिटी पे ये नहीं आप लोग ले मतलब ऐड कर सकते हो, अगर आप लोग पार्टी मेकअप भी कर रहे हो, कोई अपना सेल्फ पार्टी मेकअप भी कर रहे हो, वो भी ये सारा प्रोडक्ट ले सकते हो, अब आपका मन। उसके बाद मेरे पास है सेटिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर में मेरे पास टू ऑप्शन है, अच्छा अच्छा ब्रांड का, कॉम्पैक्ट भी ले सकते हो, पर अगर थोड़ा सा लगेगा कि स्टे ज्यादा करवानी है मेकअप, तो ये स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूशन पाउडर, मतलब ये पाउडर थोड़ा सा कॉस्टली है, 350-400 का आसपास है, पर ये पाउडर इतना अच्छा है, ट्रांसलूशन पाउडर है डेफिनेटली, ये तो अच्छा होगा। और सेटिंग पाउडर है देखो,
व्हाइट इन कलर, पर जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, कुछ भी मतलब आपको नहीं होगा, नो, मतलब कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा, मतलब इतना ज्यादा ये लाइट वेट है। और ये ब्लू हेवन की बनाना पाउडर, सेटिंग पाउडर, ये भी बहुत अच्छा है। नॉट अ बनाना सफेड़ा पाउडर, ये बहुत ही पुराना है, नॉट अ बनाना पाउडर, सॉरी गाइज, ये ब्लू हेवन का सफेड़ा पाउडर है। ये भी मैंने बहुत सर 2 से 3 साल हो गया ये मेरी मेकअप प्रोडक्ट के अंदर है। इसको मैं अभी भी यूज कर लेती हूँ कभी कभी, जब मेरा लॉन्ग स्टे मेकअप करना होता है या तो कोई पार्टी अटेंड करती हूँ। ठीक है, अब आते हैं आई शैडो पैलेट के ऊपर, जो कि मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन होती है। सब कोई मुझे पूछता है कि आई शैडो पैलेट में क्या इन्वेस्ट करूं क्या नहीं इन्वेस्ट करूं। तो 2 आई शैडो पैलेट है, ठीक है मेरे पास। एक है अफोर्डेबल निका के की पैलेट, ये आपको सारा शॉपिंग साइट पे मिल जाएगा ये निका के की पैलेट। इसमें मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, जो जो शेड है, न्यूली वेड हो, पार्टी मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो, सब का जो जो देखो, स्मोकी आई लुक, एवरीथिंग यू हैव टू क्रिएट ऑन दिस पैलेट। दिस पैलेट इज टू अमेजिंग। निका के की जो ये पैलेट है, आप लोग एक बार परचेस करके देखो, कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। और इसका जो पिगमेंटेशन है गाइस, शायद हाँ देखो, इसका जो पिगमेंटेशन है ये भी अमेजिंग लेवल का है। मतलब इसका पिगमेंटेशन मैं आप लोगों को देखो दिखा रही हूँ, जस्ट अमेजिंग पिगमेंटेशन है। और एक मेरे पास है, ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये बाला पैलेट, ये हाई पैलेट है, 1500 शायद इसका प्राइस था जब मैं लिया था। यू गाइस सी, एक अच्छा खासा मिरर रिसीव होता है, और पार्टी मेकअप के लिए और ब्राइडल किट के लिए, मतलब वुड बी ब्राइड, आप लोग इसको ले सकते हो। इस पे इन्वेस्ट करोगे तो 2 से 3 साल कोई आई शैडो पैलेट आपको खरीदना नहीं होगा। देख लो क्या क्या कलर है इसमें, ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट, यू गाइस फॉर एवर फ्लॉलेस पैलेट है ये। इसका नाम भी है, इतना सारा सेड इसमें रिसीव हो रहा है। आप लोग इसको खरीदोगे तो रिग्रेट फील नहीं करोगे। दिस पैलेट इज टू गुड वाला पैलेट। और जो मिरर है वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, आप लोगों को तो मैंने ओपन करके दिखा ही दिया। अब नेक्स्ट आते हैं मस्कारा के लिए, मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन है। एक है मेवलिन का ये मस्कारा, ये बहुत ही कॉस्टली है, स्काई हाई मस्कारा, शायद 900 से 800 इसका प्राइस है, पता नहीं अभी सेल में ये नायका पे कितना चल रहा है। और एक है मेरे पास रिमेल लंडन का, शायद हाँ ये रिमेल लंडन का भी, ये भी बहुत है, बहुत अच्छा है। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है और ये वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है, ये दोनों ले सकते हो। और मेवलिन का और एक कम बजट में आता है, सुपर स्टे वाला शायद उस मस्कारा का नाम है, उसका तो बात ही छोड़ दो, 250 रुपया में वो मस्कारा। अभी मेरे पास वो नहीं है, वो मुझे शायद उस ड्रॉप पे था तो लेना पड़ता, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई। बट उस मस्कारा का हेल्प से भी मैंने बहुत सारा लुक क्रिएट किया, और इंडिया में हर एक गर्ल को मतलब हर एक गर्ल्स और वुमन जो लोग मेकअप रिलेटेड चीज पसंद करते हैं, उन लोगों को मेवलिन का वो मस्कारा के बारे में पता है। ठीक है, फिर आएंगे लास्टली दोनों पे 2 कंसीलर। ठीक है, एक है ये जानी मानी स्विस ब्यूटी का ब्रांड का जो कंसीलर है, ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर। ठीक है, लिक्विड कंसीलर बहुत फेमस हुआ था ये प्रोडक्ट। मेरे पास और एक सेट है, इसमें देखो मैं कितना सारा यूज भी कर चुकी हूँ, देखो आप लोग को पता भी चलेगा। ठीक है, 2 साल से यूज कर रही हूँ। और एक है थोड़ा हाई ब्रांड का मेकअप रेवोल्यूशन का, इसमें से देखो मेरा जो एप्लीकेटर है ना, देखो ये टूट गया है, बहुत प्रॉब्लम होती है निकालने पे, पर क्या करूं, निकालना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं बर्ड्स की हेल्प से इसको निकालूंगी। ये भी बहुत अच्छा है ये वाला, ये भी हाई कवरेज दे देता है, ये आपको पार्टी मेकअप के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने एक रिसेंटली शायद पार्टी मेकअप किया था ना मैं अपने ऊपर, तो मैंने ना फाउंडेशन यूज नहीं किया था, बहुत सारा गर्मी था, तो मैंने इसी मेकअप रेगुलेशन का जो ये मस्कारा था इसके हेल्प से किया था। ठीक है, अब आते हैं लिपस्टिक पे। लिपस्टिक पे मेरे पास है 3 ऑप्शन। एक तो है पारुल गर्ग मैम का ये वाला लिपस्टिक, देखो इसका जो कलर है आप लोग देख सकते हो,
और पर्सनली ये कलर मेरा बहुत पसंद है। तो एक बात बोलूं, परुल गर्गी मैम का जो लिपस्टिक है बहुत ही ज्यादा हाई रेंज का है, 900 इसका प्राइस है। ठीक है, प्रोडक्ट क्वांटिटी कितना दे रहा है इसका जो, हाँ 25 तक इसका रेट है, पर प्रोडक्ट क्वांटिटी शायद वो वाला आउटर पैकेजिंग में लिखा हुआ था, यहाँ पे भी दिख रहा है। हाँ 3 ग्राम, 900 में 3 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी मुझे मिल रहा है। मुझे ये खरीदने के बाद थोड़ा सा हार्ट अटैक हल्का से आ गई थी, जस्ट किडिंग गाइस, पर बहुत ही बजट इसका है। तो ये अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर बजट हाई है तो ले सकते हो, और कम बजट में ओ माय गॉड इनसाइट वन, देखो दोनों का दोनों ही सिमिलर कलर है, फेयर मीडियम स्किन टोन हो तो ले सकते हो इनसाइट का ये वाला लिपस्टिक, इनसाइट 24 आवर स्टे वाला लिपस्टिक, अमेजिंग। और एक आप लोग ले सकते हो रेड लिपस्टिक, डेफिनेटली वुड बी ब्राइड हो अपने वैनिटी में, ये वाला तो लिपस्टिक आपको रखना ही चाहिए। एक पर्पल का ये वाला लिपस्टिक है, पर्पल का तरफ से है, ये रेड है, पता नहीं कैमरा इसको रेड क्यों नहीं शो कर रहा है, पर ये रेड कलर का लिपस्टिक है। और ब्लू हेवन का पाउडर मैट वो लिपस्टिक भी मेरे पास है, बट अभी यहाँ पे नहीं है, तो वो भी आप लोग ले सकते हो। और हाँ लास्ट, हमारे मेकअप तो पूरा नहीं होता है काजल के बिना, तो या फेसेस कनाडा की ये काजल, अमेजिंग है ये काजल गाइस, प्लीज इस पे इन्वेस्ट करो। और लाइनर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, अभी यहाँ पे है मेरे पास टेक वेयर की वन और मेवलिन सुपर स्टे, ये भी आप लोग ले सकते हो। तो बस यही था आज का वीडियो, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी।